दोस्तों अगर आप भी मोहम्मद सिराज को एक अच्छा गेंदबाज मानता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी में उड़ गई पूरी न्यूजीलैंड की टीम, बता दें आपको पूरी बात, लेकिन वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। दोस्तों दरअसल जब न्यूजीलैंड की टीम भारतीय टीम के 350 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही थी, तब पहले विकेट भारतीय टीम को मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी नहीं दिलाई। डिवियन कॉनवे सिराज की बल्ले की गेंद पर इस तरह से टॉप एज से बैठे और इस तरह से पीछे कुलदीप यादव ने कैच पकड़ ली। पहली सफलता दिलाने वाले मोहम्मद सिराज ही थे आज भारतीय टीम को। पहली विकेट सिराज ने गिराई न्यूजीलैंड की, लेकिन उसके बाद 4 विकेट जाने के बाद जब कप्तान टॉम लैथम सेट हो रहे थे मैदान, ऐसे वक्त पर वापस से सिराज को गेंदबाजी थमाई कप्तान रोहित शर्मा ने, और रोहित शर्मा का ये डिसीजन काफी कारगर भी साबित हुआ। 200 सेट होने की कोशिश कर रहे थे टॉम लैथम इस मुकाबले में, लेकिन जैसे ही अगला ओवर सिराज के हाथ में आया तो सिराज ने कर दिया काम। दोस्तों सिराज ने इस तरह से शॉर्ट गेंद रखी कप्तान न्यूजीलैंड के टॉम लैथम को, बल्ले का एज लेकर हवा में जा रही थी गेंद और पीछे इस तरह से वॉशिंगटन सुंदर ने शानदार कैच लपक ली, जिसके चलते इस मुकाबले में सिराज ने दो बड़े झटके दिए न्यूजीलैंड को। 200 पहले डिवियन कॉनवे, फिर टॉम लैथम, मोहम्मद सिराज ने दो बड़े कांटे साफ कर दिए भारतीय टीम की जीत के, लेकिन उसके बाद मिचेल ब्रिसवेल के शतक ने भारतीय टीम को हिला कर रख दिया। लेकिन दोस्तों आप मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताएं।